just grow her soon. I'm so sorry, Tala. आप अभी थके आ रहे घर आए थे और मेरी वजह से आप कमाल करती हो उसमें तुम. अरे बाबा अगर तुम ठीक हो तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है. अच्छा मैं एक बात ईमानदारी से बता कर कहूँ तुम्हें डॉक्टर को बुला लूँ. नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाँ अच्छा उसमें एक बात सही बताओ तुम टैबलेट लेना भूल गई थी ना. मैं भूल गई थी आज. मुझे भूल गई थी. कैसी बात कर रहे थे. ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं. एक बात अच्छी तरीके से याद रखो उसमें कि तुम अब तुम नहीं हो मैं हूं मैं. और तुम इस तरीके से टैबलेट लेना या अपना ख्याल करना भूल जाती हो तो ऐसे ही जैसे तुम मुझे भूल गई. मुझे कभी नहीं भूलना उसमें. तुम सोचो कि अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता उसमें. खैर छोड़ो. अच्छा बताओ कि बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो अभी तुम. पक्की बात शायद मुझे इतना फायदा किसी दवा से भी नहीं होता जितना मुझे आपकी अटेंशन और आपकी मोहब्बत से होता है. थैंक यू वेरी मच. इट्स वेरी नाइस ऑफ यू. लेकिन मेरी बातों का असर उसी वक्त होगा जब आप मेरी बातों का ख्याल रखा कीजिए. ठीक है ना. अच्छा पता मैं क्या सोच रहा था. हाँ? मैं सोच रहा था कि आज तो हमारी उसमें कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आज तो मेरी पता कर देगा पता वो केस में जीत गया. सच कैसे. ये मैं आपको बताऊंगा बाद में. यूं करते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करें एक जूस पिए उसके बाद हम चलेंगे बाहर रिफ्रेश होके. कोई मुश्किल वाली बात नहीं. ऑलराइट देन कम ऑन.
मोमो कॉलेज क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारे लिए तो आई थी, तुम्हारा इंतजार करती रही। अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे जल्दी से फोन करो, तुम्हें पता है ना अम्मा इस मामले में कितनी कंजूस है, जल्दी करो। ओके ओके बाबा। हाँ हीरा, मैंने तुम्हें रात फोन किया था, पप्पू ने कहा तुम सो रही हो। सो जाती मोमो अगर डर ना लगता। क्या मतलब? मोमो मुझे पता नहीं क्या हो गया है, कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई, इसीलिए तो कॉलेज नहीं आई। बकवास मत करो, आज सुबह मैंने फोन किया था तो तुम सो रही थी। सोने की कोशिश कर रही थी मोमो, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे अपने आप से खौफ आने लगा है। मोमो क्यों? बस मोमो पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लगा जैसे ओहो वहम होगा तुम्हारा, वरना अपने आप से किसे खौफ आता है। हाँ अच्छा मेरे ख्याल से अम्मा आ रही हैं, बाकी बातें कॉलेज में हो गई। ठीक है तुम आ रही हो ना कल? ओके खुदा हाफिज। बाकी सब लोगों की तरह मुझे भी साहिल का ये सीन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता है जब साहिल से टकरा कर जब ये मौजें लौटती है और हमारे पैरों तले से रेत खींच के ले जाती ना, तो मेरे दिल जैसे डूबने लगता है और ये डूबते सूरज की किरणें, ये लगता है कि ये जाते जाते हमारे साथ बहुत सारी हमारी खुशियों के साथ वापस ले जाने। और इसीलिए उस बार ये दोनों मनाजिर इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी मुझे अच्छे नहीं लगते। आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये मंजर कितने खूबसूरत होते हैं और खास तौर पर जब ये लहरें आकर पांव से टकराती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सही है कि सूरज निकलता है रोशनी हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि सूरज की ये किरणें वापस जाते जाते हमारी जिंदगी की कितनी खुशी के लम्हात को अपने साथ वापस ले जाते। और ये साहिल से लड़ती हुई मौजें जब पैरों के पीछे से निकलती है ना, यकीन करो कि जिंदगी जैसे तंग हो जाती है। प्लीज आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो इसलिए उस बात के अगर मैं ना सोचूं तो वक्त के गुजरने का एहसास खत्म हो जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे और अपने साथ गुजरने वाले हर लम्हे को और पल को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखना चाहता हूँ। ऐसा मैं भी पहले नहीं सोचता था उसमें, लेकिन जब से तुम मिली हो ना मुझे लगता है जैसे मैं वक्त के मामले में कंजूस हो गया। मैं जिंदगी के हर लम्हे को तुम्हारे साथ पूरी तरह जीना चाहता हूं। मेरा बस चले ना उसमें तो मैं इस वक्त को साकित कर, लेकिन जब से मैं आपसे मिली हूं उस वक्त से नहीं बल्कि जब से मैं बीमार हुई हूं तब से आपकी यही कैफियत है। नहीं ऐसा नहीं उसमें, कहीं तो हमेशा से यही है। असल में ऐसा है कि मुझे यूं लगता है जैसे कि जो वक्त तुम्हारे साथ नहीं गुजरा हो ना वो जैसे जाया हो गया। कि क्या कीजिए कि जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें खुशियां देने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, थोड़ी तो दूरी बर्दाश्त करनी होती है ना। थैंक यू तला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना संजीदा इतना काम करने वाला मेरा ये कजन शौहर बनकर मुझे इतना चाहेगा। इसी जनाब के जमाने में आप हमें ज्यादा लिप जो नहीं कराती थी। जी नहीं ऐसी बात नहीं थी, बस लिहाज भी तो जरूरी था ना उस वक्त, वरना वरना क्या? वरना कुछ भी नहीं, तो सब पुरानी बातें ना दोहराए अभी बैठ के। पुरानी बातें हमारी जिंदगी का हमारी यादों का खजाना होती है। उसमें पता है जब मुझे अपनी पुरानी बातें याद आती ना मुझे लगता है कि ये वक्त गुजरा नहीं है बल्कि मेरी मिट्टी में कायम होकर रहेगी। अच्छा चले बस करें, कुछ ठंड सी हो गई है, अंदर चलते हैं। बिल्कुल चले, आप मुझे पहले बता दी थी, हम पहले निकल पड़ते हैं। आप बता रहे हैं। आई आई अरे कहाँ से पूरी करूंगी उसकी ख्वाहिशात, शादी के लिए जोड़ा बना के रखा था, निकाल लिया कि कल पहनूंगी। देखो हर बात को थोका मत करो,
और बन जाएगा जोड़ा। अरे क्या जरूरत है अमीर लोगों के घर शादी में जाने की? अरे भाई बच्ची है, पहनना ओढ़ना फितरी बात है। और सच बात तो ये, मुझे तो अफसोस होता है कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। और भूखन साहब बिसात के बाहर मांगती है। अरे जो मैसर है वही तो ले रही है। देखो कल की फिक्र मत किया, और आप किसी दूसरे मौजू पर बात करो। तुम्हारे पास ले लेकर सिर्फ एक मौजू रह गया। अरे नाशुकरी की बातें करेगी तो कहां से लाऊंगी दूसरा मौजू। यही हालत रही तो कैसे बसाएगी घर को। अब देखो इरशाद किसी सल्तनत का बादशाह तो नहीं है ना, कहां से पूरी करेगा उसकी ख्वाहिशात। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं कलीम साहब के यहाँ हो ही आऊँ, और चाय भी मैं वहीं पी लूंगा। अरे हाँ मैं भूल गई, आप बैठिए अभी लाती हूँ, चूल्हे पर रखा जाएगा। मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई। अरे माशाल्लाह। अरे बेटा कब मिली कहाँ मिली? अम्मा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग के शोबे में। अब देखिए कितना समझदार है हमारा बेटा, अगर आप उसके मामले में भी ना बोले ना तो तीर की तरह सीधा कर दूंगी उसको। अच्छा देखो ऐसा करो तुम चाय लाओ जाके। अच्छा और देखो कुछ मीठा भी लाना। अरे हाँ लाती। देखो बेटा। जी बाबा। ये तो अच्छी बात है कि जॉब मिल गई है। जी बाबा। लेकिन मैंने तुमसे हमेशा यही कहा है कि तालीम जरूर जारी रखना। मैं तुम्हें इतनी तालीम दिलाना चाहता हूँ जितनी कि मैं खुद हासिल करना चाहता था। नौकरी के चक्कर में पढ़ नहीं सका और अब पछता रहा हूं। मेरे कांधों पर तो बाप के मरने से बोझा पड़ा था, लेकिन तेरा बाप तो अभी जिंदा है। बाबा प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। मैंने तो जॉब सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं मार्केटिंग में डिप्लोमा कर रहा हूँ। इस तरह मैं प्रैक्टिकली भी इन टच रहूंगा और साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखूंगा। माशाल्लाह काफी समझदार हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये मोमी नजर नहीं आ रही है? बाबा वो अपने कमरे में। देखो तालीम जरूर जारी रखना। जी बाबा जरूर। मेरी बात याद रखना। जी बाबा। अच्छा तो फिर बाबा अभी तो एक साल बाकी है, अब मामा अभी से पीछे पड़ी हुई हैं। देखो बेटा एक साल भी ज्यादा है। मामा आप भी तो कहते हैं कि जो काम शुरू किया जाए उसे खत्म करें। होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक मसला है। वो क्या? वो ये कि यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही कि जो काम करो उसे मुकम्मल करो। फिर वो क्यों कहती है कि छोड़ दें? वो क्यों कहती है मैं बताता हूँ तुम्हें, बैठो इधर। पहले तो ये समझो कि मैंने उनसे कब ये कहा था। ये बात तब कही थी जब तुम छोटी सी थी, नन्ही सी गुड़िया सी, और तुम्हारी माँ तुम्हें गोद में लेकर मुझे दिखाने आई थी पहली बार। तब मैंने कहा था कि खुदा ने हमें बेटी अदा की है जो कि उसकी अमानत है हमारे पास। इसकी परवरिश इसकी तरबियत बिल्कुल उसी तरह करना जैसा वो चाहता है। और तब तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था और उसी तरह तुम्हारी तरबियत तुम्हारी परवरिश की शुरुआत की थी। जानती हो इस तरबियत का इख्तिताम किया है जो तुम्हारी माँ के जिम्मे है? वो क्या? तुम्हारा घर बसाना। अब वो भी तो अपना काम मुकम्मल करेगी ना। बाबू प्लीज मुझे फाइनल तो करने दे। अच्छा देखो ऐसा है तुम कॉलेज जाओ, बाद में बात कर लेंगे। बाबा बस सिर्फ एक साल। अरे कहा ना कि चलो देख लेंगे। हाँ वो तुम्हारी दोस्त क्या अहरा नहीं नजर आई बहुत दिन से, तुम्हारी अम्मी कल उसका जिक्र कर रही थी। बुराई कर रही होंगी? बुराई कर रही होंगी? अरे वो किसी की बुराई नहीं करती, बहुत अच्छी है। आप हमेशा उनका फेवर करते हैं। अब बेटा एक ही तो बीवी है हमारी, उसका भी फेवर ना करें। अच्छा बाबा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा तो अब तुम जा रहे हो, ठीक है। मम्मा तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं नहीं मुझे भी देर हो रही है, बस हिरा नहीं वाली होगी। जाहिर है तुम मुझे तो ड्रॉप करोगी। जी नहीं इस गलत फहमी में मत रहना। अच्छा बाबा अच्छा बेटा खुदा हाफिज। अच्छा मोमो देखो तुम्हें भी कॉलेज जाना है ना, तो ऐसा करो कि तुम मुझे नाश्ता दे दो फिर चले जाओ। मामा तुम हमेशा मुझे लेट
करने आते हो? मोमोज आपकी बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, इसी वजह से आपने मुझे बुलवाया? तो फिर तुम मुझे फिरा के घर ड्रॉप कर दो। मम्मी की बातें मैं सुनूं? चलो, तो एक दिन मम्मी की बातें सुन लोगे तो फिर कयामत तो नहीं आ जाएगी ना? अरे मैं तो रोज ही आपकी वजह से मम्मी की बातें सुनता हूँ। तो फिर तुम मुझे फिरा के घर ड्रॉप नहीं करोगे? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं टैक्सी पकड़ लेती हूँ। हाँ बाबा, कर दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। पहले मुझे सामने से अच्छा सा शर्मा खिला। बहुत ही नदीदे और लालची हो, बल्कि ब्लैक मेलर हो। इल्जाम लगा दिया आपको, हिरा के घर जाना है या फिर मैं सीधा घर ले? अच्छा बाबा, ज्यादा बकवास मत करो। चलो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट से खाना खिलाऊं। ये हुई ना बात।